नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मां खोबरी। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि बुधनी से। बता दें कि बुधनी के प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। अज्ञात आरोपी श्रद्धालुओं के लिए दान से भरी लाखों रुपए की बोरियां लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में नकाबपोश आरोपी वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलकनपुर मंदिर में 7 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। मंदिर समिति के महेश उपाध्याय ने बताया कि नोटों से भरी बोरियां मंदिर परिसर के स्ट्रांग रूम में रखी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर आईएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जा पहुंचे। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दूसरी ओर अभी तक पुलिस प्रसिद्ध देवी धाम में चोरी करने वालों का सुराग नहीं लगा पाई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में चोरों के नजर आने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में 18वीं वाहिनी के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सवा 4 साढ़े 4 के बीच में मुझे सूचना मिली, जो सचिव है राम किशोर जी दुबे, उन्होंने फोन किया कि यहाँ पे मंदिर के स्ट्रांग रूम के ताले टूटे हुए मिले हैं। तो मैंने तत्काल TI रेहटी को फ़ोन किया, SDOP साहब को फ़ोन किया, SP साहब को फ़ोन किया, फिर ADM साहब को फ़ोन किया और कलेक्टर साहब को सूचना दी। तो इस तरह से सारे प्रशासन के लोग आ चुके हैं और SP साहब, IG साहब और तमाम नीचे के अधिकारी, तो वो सारे लोग मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बुधनी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध देवी धाम में बड़ी चोरी की गई है। बता दें कि चोरों ने 7 लाख से ज्यादा की चोरी की है, जहां नोटों से भरी बोरियों को उठाकर ले गए। अब ऐसे में सवाल यही उठा है कि पुलिस के पास में सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें चोर चोरी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अब तक पुलिस चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां मामले में 18वीं वाहिनी के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि चोरों का पता चल पाए। हालांकि आपको बता दें कि चोरी का जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास में है। अब उसके जरिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है चोरों की तह तक जाने की। बहरहाल सवाल यही कि जब सीसीटीवी कैमरे सामने हैं, पुलिस को साफ तौर पर चोरों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस अब तक नाकाम क्यों साबित हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता गोवर्धन जुड़ गए हैं। गोवर्धन, एक और बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अज्ञात चोरों ने 7 लाख से ज्यादा की चोरी की है, ऐसे में पुलिस अब तक नाकाम क्यों साबित हो रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की बात कर ली जाए तो सीसीटीवी कैमरे पुलिस के सामने है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है गोवर्धन? जी अनुपम जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये लगातार पूरा जिला प्रशासन अभी पूरी छानबीन में लगा हुआ है इस मामले में जी, और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को हाथ में लगे हुए हैं अनुपमा जी जी, और लगातार सर्चिंग की जा रही है जी। जो अज्ञात आरोपी है उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है जी। अगर गोवर्धन हम इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो कब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और फिलहाल पुलिस प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है कि कब तक चोरों का पता लगा पाएगी? जैसा कि अनुपमा जी, ये घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की घटना है जी, जो कि लगभग सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है। और लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दार्शनिक स्थल में ये सलकनपुर मंदिर आता है, यहाँ पे सशस्त्र बल की एक टीम मौजूद रहती है 24 घंटे, जिसमें 5 आरक्षक थे जिनको अभी SP महोदय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है जी। लेकिन सवाल तो गोवर्धन यही उठ रहा है कि क्या कर्मचारियों को निलंबित करना बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि चोर तो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो आखिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अभी तो मैडम कुछ कह पाना अनुपमा जी मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन लगा हुआ है अभी पूरी सर्चिंग में जी, और जल्दी प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तारी हो जाएगी इस मामले में जी। गोवर्धन, अगर श्रद्धालुओं की बात कर ली जाए तो श्रद्धालुओं ने इस घटना को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी असहज होते हुए नजर आए होंगे? जी बिल्कुल, करोड़ों हिंदुओं का इसमें काफी मतलब गुस्सा देखने को मिला है, क्योंकि इतने बड़े धार्मिक स्थल पे इतनी बड़ी घटना काफी निंदनीय है अनुपमा जी। जी
गोवर्धन, अगर बात कर ली जाए तो पुलिस ने अभी तक क्या प्रतिक्रिया दी है चोरी को लेकर कि कब तक के चोरों का खुलासा कर दिया जाएगा, और क्या वाकई में सिर्फ 7 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है या कुछ और भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है? जैसा कि अनुपमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 संदिग्धों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, और अनुमानित करीब 7 लाख से ऊपर का जो आपको बताना चाहूंगा मैं, 7 लाख से ऊपर की लगभग चोरी इस मामले में बताई जा रही है, अनुमानित है मैम। अगर गोवर्धन, अगर बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, तो कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में किस प्रकार से, क्या मंदिर में कोई अच्छी से व्यवस्था नहीं करके रखी थी जिसकी वजह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था? जी बिल्कुल, आप प्रशासनिक सेवा पे इसमें उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि मामला ऐसा ही है। इतनी ज्यादा मतलब हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी 2 संदिग्ध चोर इतने बड़े मामले को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए हैं। बिल्कुल अनुपमा जी, बताना चाहूंगा कि घोर निंदा के साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत शर्म की बात है। जी, 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ खुलासे पुलिस के द्वारा किए गए हैं? अभी कोई खुलासा पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है, हालांकि 5 संदिग्धों से पूछताछ जारी है, और 2 जो संदिग्ध है आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं, उन लोगों की सर्चिंग जारी है, और जिला प्रशासन की ओर से संदिग्धों को पकड़वाने में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। नाम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चोरों का कब तक के पता लगा पाती है पुलिस। बहरहाल सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन की प्रणाली पर भी, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीसीटीवी कैमरे सामने हैं, अब ऐसे में उसकी फुटेज के बाद में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाता है। बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए, और आप नजरें बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के बुधनी से बता रहे हैं, जहां पर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया, और सबसे बड़ी बात कि सलकनपुर के प्रसिद्ध मंदिर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है सलकनपुर, वहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिरों में चोरी की इस घटना के बाद में श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन चोरों का कब तक पता लगा पाती है।